नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। परमाणु हथियार खत्म करना चाहते हैं इंडी अलायंस। पीएम बोले, भारत को शक्तिहीन बना देगा ये गठबंधन। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पीएम मोदी लगातार रैलियां कर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा की। मोदी ने इस दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, साथ ही उन्होंने इंडी गठबंधन पर भी जुबानी वार कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि एक कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन बनाना चाहता है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही पीएम मोदी ने विरोधी दलों पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। पीएम ने कहा कि जिस राजस्थान के लोगों ने देश को अपने लहू से सींचा, उस राजस्थान को कांग्रेस ने पानी के लिए प्यासा रखा। जितने दिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, उसने जल जीवन मिशन में भी जमकर भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस ने राजस्थान तक पानी लाने के लिए ERCP परियोजना भी पूरी नहीं होने दी थी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सोच ही विकास विरोधी है। ये लोग देश के सीमावर्ती गांवों को देश का आखिरी गांव कहते हैं। ये लोग सीमावर्ती जिलों को, गांव को जानबूझकर विकास से वंचित रखते हैं। हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। हमारे लिए देश की सीमाएं यहां पूरी नहीं होती, हमारे लिए यहां से देश शुरू होता है। आज अगर देश में 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, तो मेरे बाड़मेर में भी 2.25 लाख गरीबों को पक्के आवास का लाभ मिला है। पीएम ने अपने भाषण में आगे कहा कि राजस्थान के एयरपोर्ट में भी पिछली सरकार ने जमकर रोड़े अटकाई थी। अगर कांग्रेस ने बेवजह ब्रेक न लगाया होता तो यहाँ का एयरपोर्ट 2 साल पहले ही चालू हो जाता। कांग्रेस ने जिन लोगों को दशकों तक नहीं पूछा, मोदी उनको पूछता है। हमारे आदिवासी समाज के बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए हम एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोल रहे हैं। आदिवासी समाज को स्किल सेल एनीमिया से मुक्ति दिलाने के लिए हम अभियान चला रहे हैं। पीएम ने कहा कि SC ST और OBC भाई बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुराना रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है, संविधान के नाम पर झूठ बोलना इंडी अलायंस के सभी दलों का फैशन बन गया है। मोदी ने कहा, कांग्रेस के घोषणा पत्र में विभाजन की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप है। अब एक और पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसने अपने घोषणा पत्र में देश के खिलाफ खतरनाक घोषणा की है कि वह भारत के परमाणु हथियारों को नष्ट कर देंगे। जब हमारे 2 पड़ोसी परमाणु हथियारों से लैस है, तो क्या हमारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाना चाहिए? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन बनाना चाहता है? अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? AP कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।